खबर रायपुर से, जहां रायपुर समेत दर्जन भर से ज्यादा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मिली है। आपको बता दें कि बीती रात से राजधानी समेत अधिकांश हिस्सों में बारिश हो रही है। लगभग 10 दिनों बाद फिर से सक्रिय हुआ है मानसून। मौसम विभाग ने अधिकांश जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दे रखी है। रायगढ़, बलौदाबाजार, कोरबा, मुंगेली, बिलासपुर, महासमुंद, रायपुर, दुर्ग, जांजगीर चांपा, बेमेतरा में भारी बारिश की चेतावनी है। दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और आसपास के जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिर जाने की भी संभावना जताई है। तो मौसम विभाग की तरफ से कई ऐसे जिले हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है कि यहाँ इन इलाकों में ज्यादा बारिश होगी। तो आगामी दिनों में किस तरीके से बारिश होगी इसका अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है। रायपुर में 12 से अधिक जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है कि 12 से ज्यादा ऐसे जिले चिन्हित किए गए हैं जहां पर तेज बारिश होगी। ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ शिवम मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवम, भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है, कौन कौन से जिले चिन्हित हुए हैं? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ पे लंबे समय से कुछ दिनों से बारिश नहीं हो रही थी। आज 10 दिनों के बाद छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को एक गर्मी से राहत मिली है। इसके साथ ही मौसम विभाग द्वारा कई जिलों में भारी बारिश के आसार जताए हैं, चेतावनी भी दी गई है। आपको बता दें कि गुरुवार को बिलासपुर में, पेंटर रोड में, अंबिकापुर में, जगदलपुर में, राजनांदगांव से जिलों पर भारी बारिश हुई थी। इसके साथ ही अगले 24 घंटे तक मौसम विभाग द्वारा बलौदाबाजार, कोरबा, मुंगेली, बिलासपुर, महासमुंद, रायपुर, दुर्ग, जांजगीर जैसे तमाम जिलों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर बिजली गिरने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जबलपुर से बड़ी